السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस और याद करो जब अखज़ल्लाहु लिया अल्लाह ताला ने मीसाकन नबीयीना अहद तमाम अंबिया से लमा अलबत्ता जो कुछ आतैतुकुम मैं दूँ तुम्हें मिन किताबिन किताब से व हिकमातिन और हिकमत से सुम्मा फिर जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूलुन कोई रसूल मुसद्दिकुन लिमा जो तस्दीक करने वाला हो इसकी जो वाअकुम तुम्हारे पास है ला तुमिनुन्ना तो तुम जरूर ईमान लाना बेही साथ इस रसूल के वला तंसुरुन्ना हो और तुम जरूर मदद करना उसकी काला फरमाया अल्लाह ताला ने आ क्या अकरार तुम इकरार करते हो व आखास तुम और कबूल करते हो अला जालिकुम इस पर इसरी मेरा अहद कालू उन्होंने कहा अकरारना हमने इकरार किया काला फरमाया अल्लाह ताला ने फशहदू तो तुम गवाह रहना व आना उनमें भी माकुम तुम्हारे साथ हूँ इन शाहिदीन गवाहों में से आयत नंबर 82 फमन फिर जो कोई तवल्ला रूगदानी करेगा बाद अजाली का इस अहद के बाद पाउलाई का तो वही लोग हुमुल फासिकून फासिक हैं नाफरमान हैं यानी हर नबी से ये वादा लिया गया कि इसकी जिंदगी और दौरे नबूवत में अगर दूसरा नबी आएगा तो इस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना जरूरी होगा जब नबी की मौजूदगी में आने वाले नए नबी पर खुद इस नबी को ईमान लाना जरूरी है तो उनकी उम्मतों से के लिए तो इस नए नबी पर ईमान लाना बतरीके औला जरूरी है। बाद मुफस्सरीन ने रसूल मुसद्दिकुन से रसूल का मफहूम मुराद लिया है यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत तमाम नबियों से अहद लिया गया कि अगर उनके दौर में वो आ जाए तो अपनी नबूवत खत्म करके इन पर ईमान लाना होगा। लेकिन वाकया ये है कि पहले माना में ही ये दूसरा मफहूम अज खुद आ जाता है इसलिए अल्फाज कुरान के अतबार से पहला मफहूम ही ज्यादा सही है और इस मफहूम के लिहाज से भी ये बात वाज़े है कि नबुवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराज मुनीर के बाद किसी भी नबी का चिराग नहीं जल सकता जैसा कि हदीस में आता है कि एक मर्तबा हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह अन्हु तुरात के उराक पढ़ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये देखकर उनके चेहरे अनवर पर गुस्से से रंग बदल गया और फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है अगर मूसा अलैहि सलाम भी जिंदा होकर आ जाएं और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे लग जाओ तो यकीनन गुमराह हो जाओगे मसनन अहमद की रवायत है। बहरहाल अब क़यामत तक वाजिबुल इत्तबा सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और नजात इन्हीं की अतात में मुनहसर है ना कि किसी अमाम की अंधी तकलीद या किसी बुजुर्ग की बैत में। जब किसी पैगंबर का सिक्का अब नहीं चल सकता तो किसी और की जात गैर मशरूत अतात की मुस्तहिक क्यों कर हो सकती है।
अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी से ये अहद और प्रमाण लिया कि जब भी कोई नया रसूल आएगा जो गुज़िश्ता अंबिया की तस्दीक कर रहा होगा तो गुज़िश्ता नबी और उसके पैरोकारों पर लाजिम होगा कि उस पर ईमान ले आए और उसकी मदद करें। चुनाचे तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने इसका इकरार किया और इस इकरार के गवाह बने और अल्लाह ताला ने भी शहादत दी। इस इकरार का तकाजा ये था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो वो तमाम लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे। इसलिए अब अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा नहीं करता तो वो फासिक है, अल्लाह ताला का नाफरमान है और इस नबी को झुठलाने वाला होगा जिसकी मोहब्बत का दम भर रहा है और जिस पर ईमान लाने का दावा कर रहा है। आयत नंबर 83। अफ गैरा क्या फिर सिवाय दीन इल्लाही अल्लाह ताला के दीन के यबगूना ये कोई और दीन तलाश कर रहे हैं। वाह हालांकि लहू उसी अल्लाह के असनामा फरमा बरदार हैं। मन जो कोई भी है इस समावाती आसमानों में वल अर्जी और जमीन में तो अन खुशी व कर अन और नाखुशी से वही और उसी की तरफ युट जाऊन वो लुटाए जाएंगे। जब आसमान और जमीन की कोई चीज अल्लाह ताला की कुदरत और वशियत से बाहर नहीं चाहे खुशी से या ना खुशी से तो फिर तुम इसके सामने कबूल इस्लाम से क्यों ग्रेस करते हो। यानी जब आसमानों जमीन की हर चीज फरिश्ते जिन्नों इंस वगैरह अल्लाह ताला के कानून फितरत के सामने सिर्फ नगू हैं और इख्तियारी और गैर इख्तियारी तौर पर इसके ताबे फरमान हैं तो ये लोग इस कानून शरीयत यानी अल्लाह ताला के दीन को छोड़कर दूसरा रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं। इनको चाहिए कि अगर निजाते उखरवी चाहते हैं तो अल्लाह ताला का जो दीन उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मबूस हुए हैं इसको इख्तियार कर लें। आयत नंबर 84। कुल कह दीजिए आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ व मा और उसके साथ जो उनजिला नाजिल किया गया अलैना हम पर व मा और उसके साथ जो उनजिला नाजिल किया गया अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर व इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम पर व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम पर बल असवाती और उनकी औलाद पर व मा उतिया और जो दिए गए मूसा मूसा अलैहिस्सलाम व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम व नबीयूना और दूसरे अंबिया कराम मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से
लान और फर्रे को नहीं हम फर्क करते बहिना दरमियान अहादिन किसी एक के मिन हम उनमें से नहानो और हम लाहू उसी अल्लाह के मुस्लिमों फरमा बरदार हैं। यानी तमाम सच्चे नबियों पर ईमान लाना कि वो अपने अपने वक्त में अल्लाह ताला की तरफ से मबूस थे, नीज इन पर जो किताबें और सहीफे नाजिल हुए इनकी बाबत भी जो अकीदा रखना कि वो आसमानी किताबें थी जो वाकई अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थी, जरूरी है गो अब अमल सिर्फ कुरान करीम पर ही होगा क्योंकि कुरान करीम ने पिछली किताबों को मनसूख कर दिया है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस हो जाने के बाद जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों को इस आयत में हुक्म दिया जा रहा है कि वो तमाम अंबिया और रसूल और तमाम आसमानी कुतुब और सहाइफ पर ईमान लाएं कि सब रसूल अपने अपने वक्तों में अल्लाह ताला की तरफ से मबूस थे और सब कुतुब और सहाइफ मंजल मिनल्ला थे, अगरचे अब सिर्फ कुरान मजीद पर अमल होगा क्योंकि पहली किताबें मनसूख हो चुकी हैं। आयत नंबर 35। वमई अब तागे और जो कोई तलाश करेगा गैर अल इस्लाम में सवाए इस्लाम के दीन कोई और दीन फलन युक वाला तो हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा मिनहु उससे वाहो वा और वो फिल आखिरात ही आखरत में मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से होगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस हो जाने के बाद जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और अतात का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा या किसी पहले रास्ते पर चलता रहेगा तो वो चाहे कितना ही तौहीद परस्त और पिछले अंबिया कराम पर ईमान रखने वाला हो, अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता तो उसकी देनदारी अल्लाह ताला के हाँ मकबूल ना होगी और वो आखरत में नाकाम व नामराद होगा। इरशाद बारी ताला है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सूरह आल इमरान, बेशक दीन अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम ही है और फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना सूरह अल माईदा में, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। सैयदा आयशा रसूलुल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिसके बारे में हमारा अमर नहीं तो वो मर्दूद है। आयत नंबर 86। कैफा कैसे यहदिल्लाहु हदायत देगा अल्लाह ताला कौमन ऐसे लोगों को कफारो जो काफिर हो गए बाद ईमानहिम अपने ईमान लाने के बाद वशाहिदु और उसके बाद के उन्होंने गवाही दी अन्नर रसूला इस बात की के बिला शुबा रसूल हक्कुन बरहक है वजाअहुमुल हक वजाअहुमुल बय्यिनातु और आई उनके पास वाज़े निशानियां वल्लाहु अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हदायत देता
अलकौम मज़ालिमीन ज़ालिम कौम को। आयत नंबर 87। उलाई का ये लोग जज़ाउहुम उनकी सजा ये है अन्ना बेके बेशक अलैहिम उन पर लानत अल्लाही अल्लाह ताला की लानत है वल मलाइकाती और फरिश्तों की वन्नासी अजमाइन और सब लोगों की। आयत नंबर 88। खालिदीना वो हमेशा रहेंगे फीहा इसमें ला युखफ्फफु नहीं हल्का किया जाएगा अनहुमुल अजाब उनसे अजाब वला हम और ना वो युनजारून मोहलत ही दिए जाएंगे। यानी जो लोग हक के पूरी तरह वाजे हो जाने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा नबी होने के वाजे और रोशन दलाइल देखने के बावजूद महज तकब्बुर हसद और हुब्बे जाह माल की बिना पर कुफर की रवश पर कायम रहे या एक मर्तबा इस्लाम कबूल कर लेने के बाद फिर मुर्तदिद हो गए वो सरासर जालिम और बदबख्त हैं। ऐसे लोगों को राह हदायत दिखाना अल्लाह ताला का कानून नहीं है। इससे मालूम हुआ कि मुर्तद काफिर से ज्यादा मुजरिम है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अंसार में से एक शख्स मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो गया और उसने फिर शिर्क कर शुरू कर दिया। फिर वो नादिम हुआ, उसने अपनी कौम के पास किसी को भेजा इस पैगाम के साथ कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करें कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। इस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफारू बादा ईमानिहिम व शाहिदु अन्नर रसूला हक्कुम व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज ज़ालिमीन उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकाति वन्नासि अजमईन खालिदीना फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहु फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। यानी अल्लाह ताला उन लोगों को कैसे हदायत देगा जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफर किया और उसके बाद कि उन्होंने शहादत दी कि यकीनन ये रसूल सच्चा है और उनके पास वाजिया दलीलें आ चुकी और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। ये लोग उनकी जजा ये है कि बेशक उन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, हमेशा उसमें रहने वाले हैं, ना उससे अजाब हल्का किया जाएगा और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। लेकिन इस आयत के साथ इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहु फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मगर जिन लोगों ने इसके बाद तौबा की और इस्लाह कर ली तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमाइन यानी उन पर अल्लाह भी लानत करता है और उसकी मखलूक भी लानत करती है। इरशाद बारी ताला है इन्नल्लाहा लअनल काफिरीन व अअद्दा लहुम सईरा सूरत अल अहज़ाब में बेशक अल्लाह ताला ने काफिरों पर लानत की और उनके लिए भड़कती आग तैयार की है और फरमाया व मैयल अनिल्लाहु फलन ताजिदा लहू नसीरा सूरत अन्निसा में और जिस पर अल्लाह ताला लानत करे फिर तो कोई उसकी मदद करने वाला हरगिज ना पाएगा और फरमाया
सुम्मा यो मलकिया माती यकफुरु बाजुकुम बिबास वयल आनु बाजुकुम बाजा व मावकुमुन्नारु व मालकुम मिन्नासिरीन सूरत अल अनकबूत में। फिर क़यामत के दिन तुम में से बाज बाज का इनकार करेगा और तुम में से बाज बाज पर लानत करेगा और तुम्हारा ठिकाना आग ही है और तुम्हारे लिए कोई मदद करने वाले नहीं। आयत नंबर 39। इल्लाज़ीना मगर वो लोग जिन्होंने ताबू तोबा की मिम्बादी जाली का इसके बाद व असलाहू और अपनी इस्लाह कर ली फ़इन्नल्लाहा तो बिला शुबा अल्लाह ताला गफूर रहीम बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। इससे मालूम हुआ कि अगर मुर्तद सच्चे दिल से तौबा कर ले और इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह ताला उसकी पिछली गलती को माफ़ फरमा देते हैं।